शहर के पुलिस थानों की पड़ताल करने और पुलिस कार्रवाई में कसावट लाने के लिए स्वयं पुलिस कप्तान थानों में पहुंचकर निरीक्षण के साथ ही कार्रवाई की समीक्षा कर रहे हैं। पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा शहर के माणक चौक पुलिस थाने पहुंचे और थाने का निरीक्षण कर पुलिस थाने में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की। माइक वन में वारंट, पुलिस डायरी दर्ज, अपराध चालानी कार्रवाई की समीक्षा कर पेंडिंग काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, थानों में पहुंचकर पेंडिंग काम की समीक्षा की जा रही है। माणक चौक थाने के नए भवन निर्माण के लिए उन्होंने कहा, पुलिस को जमीन आवंटन की कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ खास आपने दिशा निर्देश दिए यहाँ पहुंचकर? अभी जैसे आज दिन में दो थाने, एक माणक चौक और अभी वापस आगे डीडी नगर थाने भी जाएंगे। इसके अंदर बेसिकली जो पुराने पेंडिंग मामले हैं उनकी समीक्षा, साथ साथ में जो अभी हमारा अभियान चल रहा है जब्ती माल निराकरण का, तो उसमें क्या प्रगति है उसको देखते हुए, बाकी थाने का निरीक्षण था। सभी विवेचकों के साथ में भी 1-to-1 बात भी की गई ताकि मामलों का निराकरण हो और साथ साथ में जो थाने में पेंडेंसी है उसका निकाल किया जा सके। पेंडेंसी की वजह क्या सर? मुझे खबर है बहुत लंबे समय से पेंडिंग चला आ रहा है, जब तक निकलेगा? लंबे समय से कुछ पेंडिंग थे मगर अभी जो थाने का स्टाफ है उसके द्वारा निरंतर पिछले 2 महीने में जो काम किया है तो उसमें अगर देखेंगे तो पेंडेंसी जो हमारी चालान की पेंडेंसी भी बहुत कम हो गई है। लगभग सिर्फ 27 चालान जो है वो थाने में पेंडिंग है। अपराध भी जो है वो लगभग 34 अपराध पेंडिंग है। उसमें पुराने जो अपराध है वो लगभग 8 से 9 अपराध है जो आपके 2020 के पहले के अपराध पेंडिंग है। तो लगातार उसमें टीमें जा भी रही है और पिछले कुछ समय में हम लोगों ने गिरफ्तारियां भी करी है, तो निकाल चल रहा है। पहले अगर पेंडेंसी रही है तो उसमें हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि अभी तेज़ी से उसका जो है वो निकाल किया जाए ताकि फरियादी को न्याय मिल सके। थाना बहुत जर्जर है और सबसे पुराने थानों में इसका शुमार होता है, नई बिल्डिंग को लेकर प्रपोजल या कुछ पेंडिंग? ये आर्कियोलॉजिकल की बिल्डिंग जो है वो पहले मानी गई थी, तो उसके अंदर आर्कियोलॉजिकल जो है ASI से वहाँ से लेटर हमें प्राप्त हो गया है कि वो इस बिल्डिंग का स्वामित्व उनके पास में नहीं है। तो उसी के आधार पे अभी कलेक्ट्रेट में हम लोगों ने एक लेटर भी पहुँचाया है और साथ साथ में अभी ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे कि ये ज़मीन का जो नामांतरण करना है तो वो पुलिस विभाग के इस पर आवंटित होगी और जैसे ही वो पुलिस विभाग के नाम पर आवंटित हो जाएगी तो उसमें हम प्रपोजल बना के नए थाने के प्रस्ताव के लिए यहाँ पर भिजवाएंगे। ससुराल वालों की प्रताड़ना से एक विवाहिता की मौत हो गई। पुलिस ने मृतिका का शव PM के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया और PM के बाद चुपचाप ससुराल पक्ष के सुपुर्द कर दिया। रावटी पुलिस की मिलीभगत से आक्रोशित मायके पक्ष के लोगों ने मेडिकल कॉलेज परिसर में ही धरना दे दिया। खबर के मुताबिक विवाहिता का विवाह जुलवानिया में हुआ था। ससुराल पक्ष के सास और पति उसके साथ आए दिन मारपीट करते थे, इसी से उसकी मौत हुई है। रावटी के जावर निवासी चचेरे भाई छोटे लाल डोडियार ने आरोप लगाते हुए कहा कि बहन जब दुपहिया वाहन पर बैठकर आई तो उससे उसकी मौत कैसे हो गई? उसने थाने में भी जहर पीने से इनकार किया है। मौत के बाद रावटी थाना SI सोनी ने मिलीभगत कर शव ससुराल वालों को दे दिया, जबकि हमारा पूरा परिवार यही है। क्या नाम है आपका? छोटे लाल डोडियार। कहाँ से आए हो आप? जाबर से। क्या आप यहाँ पे धरना देके बैठे हो? क्यों बैठे हो सर? हमारी एक बहन थी जो क्या पता किसे क्या हुआ घटना नहीं, हमारे को बुलाया 5 बजे, उन्होंने फोन करा था कैसा ऐसा ऑफ हो गई हूँ, तो हम यहाँ मेडिकल कॉलेज आए, यहाँ से हमारे जो बयान वगैरह कराए उसके बाद में हम PM जो देखा भी हमने कैसा क्या हुआ क्या शॉट है उसको वो भी देखा और हमारे को साइन के लिए चौकी पे बुलाए, उसके बाद में लाश इन्होंने चुपचाप निकाल दी। किसको दे दी गई लाश? किसकी लाश थी? वो उनके पियर वाले, हमारे हम पियर वाले यहाँ बैठे, ससुराल वाले को ही दे दी। हम पियर वाले पूरा परिवार यहाँ बैठा, माँ बाप मम्मी पापा सब बैठे। क्या हुआ था उनके साथ? कुछ नहीं हुआ, कल से हमारे को सूचना मिल रही थी कि ये रोज मार रहे। कल 9 बजे की बात है, ये बोल रहे 9 बजे दवाई पी थी, 9 बजे के बाद हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल से तो कोई दिक्कत नहीं, 2-व्हीलर पे बिठा के ले गए और वहाँ जाकर बढ़िया हंसती खस्ती गई, उसको इलाज कराने वापस ले आए, वापस ले जाके घर पे उसको मारकूट करी। उसने जवाब दिया थाने वहाँ अस्पताल में कि मैंने कोई दवाई नहीं पी है। उसके साथ किसने मारपीट की थी? कौन लोग? उसकी सास और उसका पति। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उनका कुछ, उनके नाम के, तीनों के नाम की FIR होना चाहिए। अभी यहाँ पे आए हैं तो अभी आपने यहाँ पे? हमने, हम तो यहाँ के लिए सब समान थे, हम समान मानते थे, फिर इन्होंने लाश सोनी जी ने जबरदस्ती निकाली, इसीलिए सोनी जी से हम ये पूछना चाहते हैं, सोनी जी आपने लाश क्यों निकाली? सोनी जी कौन है? सोनी जी अपने यहाँ से 1 स्टार है थाने रावटी थाने से। आपका नाम? छोटे लाल डोडियार।
फाइनेंस कंपनी ने नौकरी के नाम पर बेरोजगार युवाओं के लिए विज्ञापन जारी किया। युवा नौकरी के लिए गए, उन्हें नौकरी दी और उनके माध्यम से लाखों रुपए बटोरे और अब कंपनी पैसा लेकर भाग गई। मामला गेट ग्लोबस फाइनेंस कंपनी का है जो जनता का पैसा लेकर फरार हो गई है। इस कंपनी ने युवाओं के साथ नौकरी के नाम पर धोखा किया है जिसने सैलरी भी नहीं दी है। इस गेट ग्लोबस फाइनेंस कंपनी ने करीब 15-16 युवाओं को नौकरी पर रखा था। कंपनी करीब 30 से 40 लाख रुपए लेकर भागी है। कंपनी में नौकरी करने वाले युवा उक्त मामले को लेकर एएसपी के पास पहुंचे और पूरी घटना बताते हुए जांच की मांग की। कंपनी से धोखा होने की जानकारी देते हुए हितेश मीणा ने बताया। क्या नाम है आपका? अरे आ जाओ यार, क्या थाने पे आए थे? सर मेरा नाम हितेश मीणा है। एक कंपनी का एड आया था गेट ग्लोबल फाइनेंस के नाम से, जिसमें लोगों को लोन बांटने के नाम पर एम्प्लॉयज की जरूरत थी। उस एड के चलते सभी लड़कों ने यहाँ पर कंपनी में ज्वाइनिंग ली, जिस कंपनी ने कस्टमरों का 8-10 लाख रुपए लॉगिन फीस के नाम से, प्रोसेसिंग फीस के नाम से अपने खाते में डलाया और उस कंपनी के बिल्डिंग के जो ऑनर थे उनका भी 25-27 लाख रुपए डलवाया। मुझसे भी पर्सनली 1.5 लाख रुपया उन्होंने अपने खातों में डलवाया और यह सभी पैसा 30-40 लाख रुपया लगभग अपने खाते में लेकर के कंपनी फरार हो चुकी है। सभी लड़के लोग जिन लोगों ने अपने कस्टमरों से लॉगिन और प्रोसेसिंग फीस का पैसा लिया था, वो कस्टमर लोग लड़कों को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो भी गरीब है, उनका भी पैसा है, वो भी परेशान है सर। और हम सेल्स वाले बंदे हैं सर, गेट ग्लोबल फाइनेंस थी सर। और हम सेल्स वाले बंदे हैं, हमने फील्ड में काम किया है सर। एक एक कस्टमर से 5 से 15 हजार, 20 हजार, 50 हजार के आसपास में प्रोसेसिंग फीस का पैसा कस्टमर से लेकर अपने खाते में डलाया और किसी भी लड़के ने अपने जेब में एक रुपया नहीं रखा सर। आपने पहले भी आपने शिकायत वगैरह किसी को शिकायत? शनिवार के दिन हमने एसपी साहब को सवेरे संपर्क किया था, एसपी साहब ने संबंधित थाने में देने का कहा था, हमने थाने में दिया था लेकिन उस विषय में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए हम लोग आज एडिशनल एसपी साहब से मिले, उनसे मिलकर के पुनः हमने उन्हें ज्ञापन देकर के यहाँ संबंधित थाने में दोबारा संपर्क किया। क्या आश्वासन मिला है किस तरीके? यहाँ से आश्वासन मिल गया है कि जांच की जा रही है, उचित कार्रवाई जो रहेगी। सर ने पर्सनली टीआई साहब ने फोन पर बात करके जानकारी ली, यादव साहब जो एसपी साहब एसआई साहब उन्होंने भी संज्ञान में लेकर के कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। कंपनी क्या काम करवाने का बोल रहा है? कंपनी बोल रही थी कस्टमरों का लॉगिन का पैसा लो, हम उनको उनके कागज के बदले हम उन्हें लोन देंगे। उस चक्कर में सर कस्टमरों ने भी लोन के लालच में लड़कों को पैसा भी दिया, फाइल भी दे दी, लेकिन वो फाइल और पैसा लेकर के फाइलें सब ऑफिसों में पटक करके कंपनी फरार हो गई सर। सर कंपनी ने हमको 20 फाइल का टारगेट दिया था, बोले आप 20 फाइल करोगे तो आपकी सैलरी मिलेगी। और यह गबन सर 30 से 40 लाख रुपए का अभी हमें पता है और अनजाने में कितना गबन किया है इसकी जानकारी हमें नहीं है। कम से कम 15-16 लोगों का स्टाफ था, सभी स्टाफ के साथ में सभी को सैलरी देने का बोला था, तनख्वाह किसी की दी नहीं और कंपनी की कोई अभी तक जानकारी भी नहीं है। दस से 15 हजार रुपए के बीच में सभी को तनख्वाह देने का बोला था, अलग अलग, जो अनुभवी उनको ज्यादा, जो अनुभवी नहीं उनको 10 हजार। क्या नाम है? हितेश मीणा। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ, 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए, कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70 हजार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी नहीं। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया। क्या है? बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज, 21 कोठारी मार्केट, 232 रतलाम। कॉन्टेक्ट नंबर 07412356268 6263791851। गौशाला जमीन आवंटन को लेकर शिव गौशाला समिति ग्राम लुनेरा के सदस्यों ने पुराने कलेक्टर कार्यालय स्थित तहसील कार्यालय का घेराव कर धरना दिया।
मामला शासकीय जमीन का है, जिस पर रकबा 6 हेक्टेयर भूमि में गौशाला का संचालन समिति कर 280 गोवंश की देखभाल कर रही है। समिति का आरोप है कि एक ऐसी संस्था जो अस्तित्व में नहीं है, उसने उक्त जमीन आवंटन की कार्रवाई की है, जो गलत है। जबकि शिव गौशाला पूर्व में ही आवेदन देकर जमीन आवंटन की मांग कर रही है, लेकिन नायब तहसीलदार कोई कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं। समिति सदस्यों ने अध्यक्ष सुरेश चंद्र पाटीदार के नेतृत्व में तहसील कार्यालय परिसर में ही धरना दे दिया था। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, माता की जय, माता की जय, सनातन तेरी तना चली, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सनातन तेरी तना चली, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारत माता के जय, भारत माता के जय। सदस्यों ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, राजनाथ योगी शिव गौशाला परिवार लुनेरा से आए हैं हम लोग, और हमें 3 साल से हमारी गौशाला लुनेरा में संचालित है, लेकिन शासन हमारी जमीन गौशाला के नाम से आवंटित नहीं कर रहा है। और एक फर्जी जो सांवरिया वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से एक संस्था जो बनी है, उसके नाम से जगह अलाटमेंट होने जा रही है, उसकी बहुत सारी प्रक्रिया हो भी गई है, लेकिन हमारे जो शिव गौशाला जो है उसकी अभी तक प्रक्रिया भी नहीं, ऑनलाइन भी नहीं चढ़ी। सिस्टम जो शासन का सिस्टम है वो ये बता रहा है कि अभी तक ऑनलाइन भी नहीं चढ़ी, लेकिन हमारी जो प्रक्रिया 3 साल से चल रही है, और हम आवेदन हर 2 महीने में कलेक्टर, तहसीलदार, SDM सर को, सभी को आवेदन दे रहे, सभी की रिसीटें हमारे पास में पड़ी हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है इस विषय में। क्या कारण आया है, कुछ पता पड़ा है किसकी जमीन है? सर, जमीन तो शासन की जमीन है, सरकारी जमीन है, अब ये तो शासन जाने कि क्या कारण है, किसका दबाव है, क्या है क्या नहीं, इस विषय में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और हमारे पास में जन सहयोग से 30 लाख रुपए वहाँ पे खर्च भी हुए हैं, 300 गायें भी हैं, चद्दर सेट बना हुआ है, सारी व्यवस्था है गायों के लिए। और अभी एक भगवत जी का एक आयोजन करा था हम लोगों ने वहाँ पे, सारे 20 गांव ने मिलके, तो वहाँ पे एक 27 लाख रुपए की घोषणा भी हुई है, लेकिन जगह अलाटमेंट नहीं हुई, इस कारण से हमारा पैसा भी रुका हुआ और काम भी बहुत सारा काम जो बचा है वो भी रुका हुआ है। अभी आप आता है, क्या आश्वासन दिया जा रहा है अभी? हाँ, अभी आश्वासन तो ऐसा कोई ज़्यादा ऐसा नहीं मिला है हमें कि हाँ हमारा काम हो जाएगा, लेकिन हाँ कह रहे हैं कि हम आप भी कुछ ना कुछ करते हैं, ऐसा बता रहे हैं। आप किससे मिले यहाँ पे आके? अभी नायब तहसीलदार से मिले हैं हम लोग, और अभी कलेक्टोरेट में भी जाने की चल रही है हमारी प्रक्रिया, अब आगे ज्ञापन देने कलेक्टर साहब को भी हम जाएंगे।